हेलो एवरीवन, आपको प्लेन मिरर का असाइनमेंट दिया गया था होमवर्क बनाने के लिए। कुछ बच्चों ने बना के सेंड भी किया है, कुछ क्वेश्चन सही भी हैं, कुछ में कुछ गलती भी है। तो आज हम उसका वीडियो सॉल्यूशन दे देते हैं आपको। 10 क्वेश्चन था, 10 का सॉल्यूशन आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, सॉल्यूशन को समझिएगा, आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर क्लियर होगा। तो क्वेश्चन हम टेलीग्राम से निकाल रहे हैं, टेलीग्राम के चैनल पर आपको भेजा गया था, व्हाट्सएप पर भी ऐसे भेजा गया था। तो हम अपने फ़ोन में उसको निकाल लेते हैं और बारी बारी से क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का है। लिखा हुआ है कि फिगर शोज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल मिरर्स। इट डिस्टेंस फ्रॉम M1 इज 2 सेंटीमीटर एंड दैट फ्रॉम M2 इज 8 सेंटीमीटर। कुछ ऐसा डायग्राम दिया गया है, दो प्लेन मिरर को इस तरह से प्लेस किया गया है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। एक मिरर का नाम M1 है और एक मिरर का नाम M2 है। बोला गया कि एक ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच में एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है जो M1 से 2 सेंटीमीटर पे है। मान लीजिए कि यही एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम हम O देते हैं। ये M1 से बोला गया कि 2 सेंटीमीटर पे है और M2 से बोला गया 8 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। तो आपको बताना क्या है, बोला आगे क्या लिखता है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेजेज फ्रॉम द टू मिरर्स कंसिडरिंग रिफ्लेक्शन ऑन मिरर M1 फर्स्ट। आपको बताना कि दोनों मिरर से टोटल कितना इमेज बनेगा, और बोला कि जो सबसे पहला रिफ्लेक्शन होता है M1 से होता है, तो आपको नंबर ऑफ इमेज बताना है कि कितना बनने वाला है। तो सबसे पहले देखिए कि इमेज कैसे बनेगा और कितना नंबर बनेगा, वो भी हम नंबर ऑफ इमेज निकालना सिखाए थे आपको। तो सबसे पहले क्या देखना है कि ये दोनों मिरर अगर हम देखिए, तो अगर इसको हम बोले कि दोनों मिरर एक दूसरे से ज्वाइन है तो कितना डिग्री के एंगल पे है, तो पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो दोनों के बीच का हम एंगल बोल सकते हैं कि 0 डिग्री होगा, ठीक है। अगर 0 डिग्री है तो सबसे पहले चेक करते थे, चेक क्या करते थे, 360 अपॉन थीटा का वैल्यू क्या आता है। यहाँ पे 3 वैल्यू आता था, एक इवेन, एक ऑड और दूसरा तीसरा जो होता था फ्रैक्शन। अब यहाँ पे समथिंग अपॉन जीरो है, 360 अपॉन 0, थीटा का वैल्यू कितना है 0, तो 0 पुट करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ से हमको एक चीज़ क्या समझ में आया कि जो नंबर ऑफ इमेजेज होगा वो इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट इमेज बनेगा। आप इसको हम रे डायग्राम से समझने का कोशिश कीजिए कि इनफाइनाइट कैसे बनेगा। आप ऐसे समझिए, सबसे पहले अगर हम बोलें कि ये जो ऑब्जेक्ट है M1 पे स्ट्राइक करता है इंसिडेंट रे, तो अगर यहां से M1 पे स्ट्राइक करेगा तो जितना डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतना ही डिस्टेंस पे इसके पीछे इमेज बनता है। जहां पे रखा गया जितना डिस्टेंस पे उतना ही डिस्टेंस पे भी बनता है। तो हम यहां से एक मतलब जो हम जितना हम पढ़े हैं उसके हिसाब से हमको ये समझ में आ रहा है कि किसी प्लेन मिरर से इसको हम अलग निकाल लेते हैं कि अगर ये हमारा प्लेन मिरर है और इसके सामने अगर 2 सेंटीमीटर पे कोई ऑब्जेक्ट होगा तो इसका इमेज 2 सेंटीमीटर पे बनेगा, यही बनेगा। ये जो इमेज होगा वो वर्चुअल होगा, ये भी हमको पता है। तो पहला मिरर M1 से इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पर बनेगा, तो हम बोलेंगे कहीं यहाँ पर बनेगा, इसका नाम हम I1 देते हैं, ठीक है। कितना सेंटीमीटर पर बनेगा, 2 सेंटीमीटर पे। तो पहला इमेज I1 मिला कितना सेंटीमीटर पे, 2 सेंटीमीटर पे। अब देखिएगा, सपोज कीजिए या आप ऐसे समझिए कि इस मिरर से M1 मिरर में ये इमेज दिख रहा है। अब ये दोनों फेसिंग साइड रिफ्लेक्टिंग, जो रिफ्लेक्टिंग साइड है दोनों मिरर का, दोनों एक दूसरे को फेस कर रहा है, तो इसके अंदर में जो इमेज बन रहा है ये इमेज ऑब्जेक्ट बन जाएगा किसके लिए, सेकेंड मिरर के लिए। अगर पैरेलल रखा हुआ है या इंक्लाइन रखा हुआ है तो पहला मिरर का जो इमेज होता है वो सेकेंड मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है, वर्चुअल। अगर ये पहला मिरर का जो इमेज I1 है अगर वो सेकेंड के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो इसका इमेज इसमें बनेगा, इसमें इमेज कैसे बनेगा, तो इस साइड बनेगा। अगर हम इसमें बात करें तो इसका इमेज कैसे देखेंगे, तो देखिए कि कितना डिस्टेंस पर रखा हुआ है, टोटल डिस्टेंस यहाँ से कितना है, तो 8, 8 2 10, 10 2 12, यानी कि 12 सेंटीमीटर इधर इसका इमेज बनेगा, ठीक है। अगर 12 सेंटीमीटर इधर इमेज बनेगा इसका नाम हम दे देते हैं I2, तो I2 कहाँ पे बना, 12 सेंटीमीटर पे। अगर हम बोलें अब इसको देखिए I2 को, तो I2 जो सेकेंड का इमेज है वो फर्स्ट के लिए फिर से ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब यहाँ से देखिए कि इससे ही कितना डिस्टेंस पे है, तो 12, 12 8 20, 20 2 22, यानी कि 22 सेंटीमीटर इधर जाएंगे तो 22 सेंटीमीटर पे एक और इमेज बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या दिखा,
कि एक इमेज बना दो सेंटीमीटर पे, दो सेंटीमीटर पे यहाँ पे बना, ये जो इमेज बना उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम किया और इसका ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बन गया, इस मिरर से 12 सेंटीमीटर पे। क्लियर है? कितना 12 सेंटीमीटर कहाँ से लाए? तो देखिए कि यहाँ से सेकेंड मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट का काम किया तो ये डिस्टेंस है कितना टोटल, तो टोटल 8 2 10 2 12। तो अगर यहाँ से डिस्टेंस 12 है तो यहाँ से भी डिस्टेंस कितना होगा, 12 होगा। क्लियर हो रहा है? अगला इमेज फिर वैसे ही फाइंड करेंगे। अब ये 12 10 22 इसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट का, M1 के लिए सेकंड का जो इमेज होगा फर्स्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इससे कितना डिस्टेंस पे, 12 8 20 2 22, यानी कि 22 सेंटीमीटर पे इधर इमेज जाएगा। क्लियर हो रहा है? उसके बाद 22 सेंटीमीटर पे ये जो इमेज बनेगा इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। कॉन्टिन्यूअसली इमेज बनते जाएगा। अगर हम रेड डायग्राम का बात करें तो रेड डायग्राम में एक चीज बताए थे कि फर्स्ट मिरर से देखिएगा, यहां से हम रेड डायग्राम एक बताते हैं समझाने के लिए। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अगर यहां से हम इस तरह से लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो ये रिफ्लेक्ट होकर कहीं मान लीजिए ऐसे जाएगा, ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगा, ठीक है? यही रिफ्लेक्टिंग को हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो इमेज बनता है, यही इमेज बना होगा। अब बताइए रिफ्लेक्टिंग रे इस पे जा रहा है तब तो इमेज एक और बनेगा। अगर अगला पोजीशन में मान लीजिए कि यहाँ से लग रहा है कैसे जाएगा, तो आपको लग रहा होगा कि ये जो अब रिफ्लेक्टिंग रे है इसके फील्ड ऑफ व्यू में तो नहीं आ रहा है सर, तो अगला इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो जरूरी नहीं कि इतना एंगल पे, जो एंगल आपको दिख रहा है इससे छोटा एंगल पे भी तो यहां से ऐसे भी तो निकाल सकते थे। अब छोटा छोटा एंगल से अगर रिफ्लेक्शन होगा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज दोनों से टकरा के आएगा, जिससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बनेगा। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि नंबर, टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, तो इनफाइनाइट। अगर हमको पोजीशन पूछता है तो पोजीशन पहला तो मिल गया था ना। अब इसका देखिए, एक तो 12 वाला बताए, अब इसके लिए जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था यहाँ से कितना सेंटीमीटर पे था, 8। तो M2 से भी देख लेते हैं, तो अगर ये 8 है तो इसके पीछे 8 सेंटीमीटर पे एक और बनेगा, ये 8 सेंटीमीटर पे एक और इमेज बनेगा, इसको नाम दे देते हैं I2 डैश। बनेगा कि नहीं बनेगा? अभी जो I2 डैश बना इसके लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये कंटिन्यू चलते रहेगा प्रोसेस। तो यहां से अगर नंबर ऑफ इमेज को काउंट करना है तो जो आपको चेन वाला रूल बताए थे उससे भी आप समझ सकते हैं। देखिए कैसे, पहले क्या लिख देंगे, एक इमेज बनेगा 2 सेंटीमीटर पे और ये 8 सेंटीमीटर, तो ये बनेगा 8 सेंटीमीटर पे। तो एक को लिख दीजिए 2 और एक को लिख दीजिए 8 और दो, उसके बाद दोनों के बीच के डिस्टेंस को आप जोड़ते जाइए। यहां पे 10 है, 8 प्लस 2 10, तो 10 प्लस 2 12, 8 प्लस 10 18, फिर जोड़ते जाइए इसमें, फिर से 10 जोड़िए तो 18 प्लस 10 28, 12 प्लस 10 22। अब एक कंटिन्यू चलते रहेगा, कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट। तो हम आगे लिख देंगे सो ऑन, आगे हम क्या लिख देंगे सो ऑन। इस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये क्वेश्चन बना, ये क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया है। दो पैरेलल मिरर ऐसा भी लग सकता है, बोलेगा कि दो पैरेलल मिरर है, प्लेन मिरर, इसके बीच में ऑब्जेक्ट है, बताइए कि कितना नंबर ऑफ इमेज बनेगा, तो इनफाइनाइट। क्या ये नंबर ऑफ इमेज पैरेलल मिरर के केस में हमेशा इनफाइनाइट होगा? तो नहीं, हमेशा इनफाइनाइट नहीं होगा। देखना पड़ेगा कि दोनों का प्लेसमेंट कैसे है, कैसे इसको रखा गया है। अगर ऐसे रखा गया है, ऐसे रखा गया है तो इनफाइनाइट होगा, नो डाउट। लेकिन कुछ सिचुएशन अगर हम बदल दें, इसका जो प्लेसमेंट है उसको चेंज कर दें, तो क्या हमेशा इनफाइनाइट बनेगा? तो ये कोई जरूरी नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, आप भी अपना क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इन द सिचुएशन सोन इन फिगर फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। एक सिचुएशन दिया गया है, सिचुएशन हम यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं। एक प्लेन मिरर दिखाया गया है और इसमें एक ऑब्जेक्ट दिखाया गया है जिसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड है और यहां हॉरिजेंटल से एंगल दिया गया है 60 डिग्री, ठीक है? आपको बोला गया है कि इमेज का वेलोसिटी बताइए एक्स और वाई डायरेक्शन में। तो देखिए इसका कंपोनेंट आप तोड़ लीजिए, तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 10 cos 60 degree, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो वर्टिकल हो जाएगा 10 sin 60 degree। अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मिरर के तरफ 10 cos 60 से जा रहा है, मान लीजिए कि इसका इनिशियल पोजीशन कुछ एक्स पे था, तो इमेज भी कहाँ पे बन रहा होगा, तो वो भी एक्स पे बन रहा होगा। अगर ऑब्जेक्ट मिरर के तरफ जा रहा है तो इमेज भी उसके तरफ आएगा, क्योंकि जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट उतना ही डिस्टेंस पे इमेज। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आप लेके चलिए, क्वेश्चन बनेगा। तो इस जितना वेलोसिटी से जा रहा है उतना ही वेलोसिटी से इसको भी आना चाहिए। तो इसको इस डायरेक्शन में हम बोलेंगे कि इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 10 cos 60 degree, वो हो गया हमारा आंसर। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू चेक करना है तो 10 cos 60 होता है कितना, 1/2, तो कितना हो जाएगा 5 meter per second, नेगेटिव डायरेक्शन,
क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है, तो 5 मीटर पर सेकंड इसका वैल्यू होगा। और नेगेटिव क्या बता रहा है, डायरेक्शन कि ये नेगेटिव एक्सिस में जा रहा है, ठीक है। इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है। अगर वाई के डायरेक्शन में बोले तो वाई के डायरेक्शन में अगर जितना जा रहा है वाई के डायरेक्शन में यहाँ भी वही जाएगा, तो वाई के डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, अगर हम वाई के डायरेक्शन में बात करें तो 10 sin 60 होता है रूट 3/2, यानी कि 5√3। और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो लिख सकते हैं इसको -5i cap + 5√3j cap, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल सिंपल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड था। अगला क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें भी बोला गया कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज का वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन थोड़ा चेंज किया गया है। इसमें क्या दिया हुआ है, इस तरह से दिया गया है, मिरर को मूव करा रहा है, मिरर भी मूव कर रहा है होरिजेंटल से 30 डिग्री के एंगल पे, और इसका वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो फिर से इसका दो कंपोनेंट आएगा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 5 cos 30 डिग्री, और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो 5 sin 30 डिग्री। इसके बाद यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका डायरेक्शन दिया गया होरिजेंटल से 60 डिग्री। तो आपसे पूछा गया है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा। तो देखिए फिर से कॉन्सेप्ट वही है, मिरर मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, हमको इमेज का वेलोसिटी चाहिए। तो बताइए किसी भी सिचुएशन पे अगर हम देखें, दोनों ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एक्स में भी जा रहा है वाई में भी जा रहा है, इसका कंपोनेंट दिखा दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 cos 60 और ये हो जाएगा 10 sin 60 डिग्री, यही होगा, सबका कंपोनेंट हम ले लिए।